हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो मेरी भी ठीक चल रही है पढ़ाई। आई होप आप लोगों की भी अच्छी चल रही होगी और फास्ट चल रही होगी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि फास्टली अपना सिलेबस कवर कर लूँ, फिर उसके बाद रिविजन करूँ और फिर साथ साथ में मॉक टेस्ट भी लगाऊँ। तो मैंने आज बुक मंगवाई है प्रीवियस ईयर पेपर की और साथ में एनसीईआरटी की दो बुक्स मंगवाई हैं। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने प्रीवियस ईयर वाली कौन सी बुक मंगवाई है। एनसीईआरटी की तो आप लोगों को पता ही है कौन सी होती है बुक्स। ये बुक्स आई हैं मेरी अमेज़न से और ये 9th क्लास की भूगोल की है और ये आ गई है 10th क्लास की। मैंने हिस्ट्री की मंगाई थी और ये इंग्लिश मीडियम में आ गई है, मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी, अब एक्सचेंज करूँगी। ये है SD पब्लिकेशन की, DSSB की, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मंगवाई थी मैंने। एक बुक तो गलत आ गई है, मैंने हिंदी मीडियम की मंगाई थी और इंग्लिश मीडियम की आ गई है, मुझे एक्सचेंज करनी पड़ेगी। देखो होती भी है कि नहीं होती है, वैसे तो कोशिश करूँगी कि हो जाए। हमारे यहाँ तो बारिश होगी, वैसे तो मौसम 2 दिन से खराब ही था, पर यह है कि बारिश आज ही हुई है, मतलब रात को भी हुई है और फिर सुबह भी हो गई है, उसके बाद फिर धूप निकल गई, अब फिर हवा चल गई। समझ नहीं आ रहा मौसम का, क्या अजीब सा मौसम हो रखा है, पर चलो ठीक है, गर्मियाँ थोड़ी लेट आएंगी। फ्रेंड्स मैं ये पढ़ रही हूँ रूसी क्रांति, अभी ऑलमोस्ट बस अमेरिका की क्रांति तक पढ़ना है मुझे, फिर उसके बाद और सब्जेक्ट पढ़ूंगी। शाम के 6 बजने वाले हैं और ये देखो बारिश कितनी तेज हो रही है, ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम हो गया। अभी मैं पढ़ रही थी अंदर तो बारिश की आवाज़ सुन के बाहर आई हूँ और काफ़ी तेज बारिश हो रही है। विशाल अभी आए नहीं है पर पापा को मैं चाय बनाने लगी हूँ। गिर रहे हैं बोले ना, काम शुरू कर दिए पाओगे अंदर? हम आए थे फॉर्म भरने के लिए, मैंने अभी तक DSSB और चंडीगढ़ TGT दोनों के नहीं भरे हैं। चंडीगढ़ के तो फिलहाल अभी निकले थे, कम हो गई, बादल भाई, चलो चलो निकले बाहर, बारिश कम हो गई। बरसात में भी लोग चल रहे हैं तो जाना नहीं है सामान लेके, कहाँ गिन रहे उल्टे कहीं दिख रहे उल्टे, ए गिला नहीं होना, नहीं है बेटा गिला नहीं होना। तो फ्रेंड्स मैं आज अपने फॉर्म भर के आ गई हूँ, कितने दिन से जा रही थी, DSSB का तो भर ही नहीं रहा था, सर्वर डाउन आ रहा था, आधा फॉर्म रह जाता था भरना, तो आज कंप्लीट हो गया और मैं चंडीगढ़ TGT का भी फिल करके आ गई हूँ। तो ये दो काम थे जो कंप्लीट हो गए हैं, वरना टेंशन हो जाती कि फॉर्म लास्ट डेट आ रही है, फॉर्म भी भरना है, तो आज कंप्लीट हो गए। और हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, कल से कंटिन्यूसली हो रही है, तो बस अभी फ्री हुई थी, अब पढ़ने बैठूंगी, आदि को भी पढ़ाऊंगी, पर उससे पहले कुछ स्पाइसी सा बना रही हूँ मैं, बैम्बिनोस की सेमियाँ। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था कि मैगी खाऊं पर बारिश बहुत हो रही थी, मैंने कहा कौन लेने जाएगा, यही बना लेते हैं, कितना टाइम हो गया था मैंने बनाई भी नहीं थी, अब ये बना तो रही हूँ, पता नहीं पापा खाएंगे कि नहीं। लीजिए बन गई हमारी बैम्बिनो सेमियाँ, ऐसा लगता है जैसे राइस है। तो फ्रेंड्स रात के 12:30 बज रहे हैं और मैंने जो विश्व इतिहास है कंप्लीट कर लिया है, अभी थोड़ा सा मेरा आगे का पोर्शन बचा है इतिहास में जो मैंने बीच में छोड़ दिया था, ये था ये जो ये वाला पोर्शन था जो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, ये भी इसे कल मैं ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी। मेरे पास सुबह का या रात का टाइम होता है अच्छे से पढ़ने का, दिन में तो मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ, काम ही नहीं ख़त्म होता है, फिर आदि को भी देखना होता है, मेरे पास सुबह और रात का टाइम ही होता है पढ़ने के लिए ज़्यादा अच्छे से, मतलब एक कहना ना कि आराम से पढ़ने का, दिन में तो ये होता है कि टाइम ही नहीं ज़्यादा होता, काम भी करना होता है तो बीच बीच में उठना पड़ता है, तो इसलिए सबसे अच्छा टाइम मेरा
तो इसलिए सबसे अच्छा टाइम मेरे पास रात का और सुबह का है। तो पहले तो नींद आ रही थी, फिर मैंने क्या किया, बाहर थोड़ा सा घूम के आई, फिर पढ़ने बैठी, क्योंकि पढ़ रही थी तो नींद आई जा रही थी, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गई थी। तो बस अभी तो इतना कंप्लीट कर लिया, अब मैं सोऊंगी, क्योंकि सुबह आदि को स्कूल भेजना है। उसके बाद फिर इसको कल के टाइम में पूरा खत्म करके फिर अब आगे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में से कुछ स्टार्ट करूंगी मैं। तो चलो फिर मैं अब ये बंद करके अब थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद सोती हूँ। तो फिर मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मैं तो पढ़ के सोऊंगी, आप लोग भी पढ़ लेना। और चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अभी तो बारिश भी हमारी बंद हो रखी है, देखते हैं सुबह कैसा मौसम होता है। ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट।